वेद प्रकाश शर्मा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रसम पगड़ी मोहल्ला नंबर 3 बड़ी धर्मशाला जलंधर छावनी में संपन्न हुई, जिसमें पंडित राधे श्याम ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सोडी, पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू, राहुल जिंदल, राजकुमार राजू, मुनीश जिंदल, मनु जिंदल, कनिष्क अग्रवाल, श्री बांके बिहारी मंडल, श्री श्याम बाबा मंडल के सभी सदस्यों सहित पारिवारिक सदस्य कौशल्या रानी शर्मा, नीरज शर्मा, ऋतु शर्मा, अनुज शर्मा, पूजा शर्मा, पंकज शर्मा, इंदु शर्मा, रेमन शर्मा, सीमा शर्मा, रोहन शर्मा, सोनिया शर्मा, रुद्र शर्मा, जिया शर्मा, अनीश शर्मा, राशिका शर्मा, रोहित शर्मा, अवनी शर्मा, हरियाक्ष शर्मा, कृषक शर्मा, वेदावली शर्मा और शायला शर्मा सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। कहते भोरा निकलता नहीं है मधु के स्वाद में, धीरे धीरे फूल बंद हो जाता है और फिर भी वो स्वप्न देखता है कि कोई बात नहीं, प्रातः काल होगी, फूल खिलेगा, मैं इसका रस चूसकर उड़ जाऊंगा। भगवान कहते जब फूल बंद हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाता और धीरे धीरे उसके पास मद हाथी आ जाता है, कमल के फूल के ऊपर अपना पैर रख देता है और वो फूल एकदम जो है नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो भंवरा स्वप्न देख रहा था वो उसके बीच में ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्या उसमें लालच था कि मैं मधु पीऊंगा? ऐसे प्राणी जीवन में लालसा के बीच में जीता रहता है और अपना अच्छा बुरा देखना बिल्कुल बंद कर देता है और यही कारण है कि प्राणी दुख को प्राप्त होता है। हरि भगवान ने कहा है